नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपके साथ में ककोड़ा, कंटोला, खेक्सा, परोड़ा या मीठा करेला या स्पाइनी गॉर्ड भी जिसे कहा जाता है की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। आपके शहर में इसे क्या कहा जाता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहा जाता है कि मीट से 50 गुना ताकतवर और प्रोटीन से भरपूर होती है, तो अंत तक जुड़े रहिएगा। चलिए बनाते हैं। तो ककोड़े की सब्ज़ी बनाने के लिए हमें चाहिए ककोड़ा। तो यहाँ पर लगभग 1.5 पाव मैंने ककोड़े लिए हैं। ये बड़े साइज़ के ककोड़े हैं, छोटे ककोड़े भी आते हैं, अगर वो मिलते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। स्वाद लगभग दोनों का एक ही होता है। और इसको मैंने 5 से 6 बार पानी से वॉश कर लिया था, इसमें गंदगी काफ़ी भरी होती है। और इसको दोनों एंड्स को कट करके लंबे लंबे पीसेस में मैं कट कर लूँगी। तो दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है और बहुत कम समय के लिए आती है, तो इसके फ़ायदे मैं कुछ गिना देती हूँ आपको, जिससे कि आप भी इसको ज़रूर से खाना स्टार्ट करें। तो ये डायबिटीज़ को नियंत्रित करती है, हाई बीपी के लिए फ़ायदेमंद होती है, कैंसर के बचाव में कारगर होती है, किडनी स्टोन के लिए बेहतर औषधि है, जॉइंटेस या पीलिया में लाभकारी होती है। साथ ही साथ सिरदर्द, बालों का झड़ना, कान दर्द, खांसी, पेट का इन्फेक्शन, इन सभी चीज़ों में और ना जाने कितनी कितनी चीज़ों में ककोड़ा खाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो भाई, इतने सारे फ़ायदे हैं तो इसे अपनी डाइट में ज़रूर से शामिल कीजिए। जो लोग नहीं खाते हैं वो भी खाना स्टार्ट कीजिए। बहुत आसान रेसिपीज़ होती हैं इसकी, बहुत फटाफट से सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाती है। तो ये देखिए, ककोड़े को मैंने लंबे लंबे पीसेस में कट कर लिया है और धो के कट करिएगा। काटने के बाद ना धोइएगा, वरना इसके विटामिन्स बाहर निकल जाते हैं। तो आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, मैंने इसको लंबे लंबे कट किया है। और ये देखिए, ये सारे ककोड़ों को मैंने कट कर लिया है। अब इसमें प्याज बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डालें अगर तो बहुत टेस्टी बनती है सब्ज़ी। तो मैंने लगभग 2 बड़े साइज़ के प्याज भी इसी तरीके से लंबे लंबे लच्छों में कट कर लिए हैं। और चलिए फटाफट से सब्ज़ी बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। सब्ज़ी बनाने के लिए कढ़ाई मैंने गैस के ऊपर चढ़ा दी है और इसमें हम डाल देंगे सरसों का तेल। तो अगर आप खाते हैं सरसों का तेल तो सरसों का तेल ही यूज़ कीजिएगा, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है सब्ज़ी में। तेल को हम गर्म होने देंगे। तेल गरम हो चुका है, अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच मस्टर्ड सीड्स और आधा चम्मच जीरा। अच्छे तरीके से तड़कने देंगे। और इसमें यहाँ पर 3 लहसुन की कली और 2 हरी मिर्च मैंने कट करके रखी है, इनको भी डाल देंगे। तो लहसुन मैंने थोड़े से बड़े बड़े साइज में कट किए थे, अगर आप क्रश करके डालना चाहते हैं तो वैसे भी डाल सकते हैं, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो इसे ज़रूर डालिएगा। और ज़्यादा नहीं भूनेंगे लहसुन को, हल्का सा कच्चा पन जाने तक कुछ सेकंड्स के लिए भून लिया। उसके बाद जो हमने प्याज कट करके रखे हैं उनको भी डाल देंगे। तो ये सारे प्याज मैंने डाल दिए हैं इसमें। प्याज को बहुत ही हल्का सा भूनेंगे, बहुत ज़्यादा हमको नहीं भूनना है, थोड़ा सा ही हम प्याज भूनेंगे, लगभग 1 से 1.5 मिनट तक इसका हल्का सा कच्चा पन जाने तक, और ये हल्का सा ट्रांसल्यूसेंट हो जाए, पारदर्शी सा हो जाए, उतनी देर तक ही हम इसको भूनेंगे, क्योंकि हमको इसके साथ में ककोड़ों को भी भूनना है। ककोड़े पकने में भी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, तो फिर अगर हम ककोड़ों को ज़्यादा भूनेंगे तो ये प्याज जल से जाएंगे, इसलिए प्याज को हम बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे अभी। और अब देखिए, प्याज को मैंने लगभग 1.5 मिनट तक भून लिया है, हल्के से पक चुके हैं। अब इसी स्टेज में हम डाल देंगे इसमें ये सारे के सारे ककोड़े, और साथ ही साथ में सब्ज़ी जल्दी से पके इसलिए स्वादानुसार और सेहत अनुसार नमक भी डाल देंगे। अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। बहुत आसान सब्जी है पर बहुत ही टेस्टी बनती है ये। नमक मिक्स हो चुका है और अब इसको हम ढक देंगे और पकने देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर ही, मीडियम भी मत करिएगा, लो फ्लेम पर ही इसको पकने देंगे कम से कम 6 से 7 मिनट तक। पर बीच बीच में हर 1.5 से 2 मिनट में इसको चला जरूर लीजिएगा, वरना ये नीचे से चिपक जाएगी। तो इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए कम से कम 6 से 7 मिनट हम इसको पकाएंगे। तो ये देखिए, लगभग 1.5 से 2 मिनट हो चुके हैं। सब्जी को हम खोलेंगे और इसको एक बार ऊपर से नीचे कर लेंगे, चला लेंगे अच्छे तरीके से ताकि नीचे से चिपके नहीं, और दोबारा से इसको हम ढक देंगे। और अब 6 से 7 मिनट लगभग हो चुके हैं। ये देखिए, ढक्कन को मैंने खोला, ककोड़ों का कलर भी बहुत अच्छे तरीके से चेंज हो चुका है, वो दिख ही रहे, देखने से ही समझ में आ रहा है कि अच्छे तरीके से कुक हो चुके हैं। और अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर देंगे लास्ट में। तो सबसे पहले आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया का पाउडर, 3/4 चम्मच अमचूर पाउडर खटाई के लिए, और 1/2 चम्मच गरम मसाला। और बस अब सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे, सारे मसालों को हल्का सा हम भून लेंगे सब्जी के साथ में ही, और हमारी सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। बहुत आसान है पर बहुत टेस्टी होती है। लगभग 1 मिनट के लिए हम इसको भून लेंगे।
तो लगभग ये देखिए मैंने इसको 1 मिनट फ्राई कर लिया है और ये हमारी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए कितनी टेस्टी देखने में ही लग रही है, ये बहुत टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होती है। आप इसको रोटी, पराठा, चपाती, दाल, चावल जिसके साथ में भी खाना चाहते हैं खा सकते हैं, बहुत ही यमी बनती है। गैस को ऑफ कर देंगे, गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो अगर आज की ये बहुत ही टेस्टी और शक्तिशाली स्वास्थ्यवर्धक सब्जी की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।